हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग शावक आरू सोनू गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू चलिए विजय स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर पहले हमने जो लास्ट वीक लास्ट सेशन में करंट अफेयर पढ़ा था उसे रिवाइज कर लेते हैं उसके बाद में आगे बढ़ेंगे गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग देखिए हमने लास्ट जो न्यूज़ पढ़ी थी उन्हें जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं हमने पढ़ा कि इंडिगो इंडिगो एक भारतीय एयरलाइन कंपनी है ठीक है और ये जो है भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी बन गई है क्योंकि 2023 में सबसे ज़्यादा पैसेंजर्स को हवाई यात्रा करने करवाने वाली कंपनी है ठीक है तो लगभग बच्चे इन्होंने 2023 में देखिए तो 100 मिलियन पैसेंजर्स को जो है इन्होंने यात्रा करवाई है तो इस आंकड़े के साथ में इंडिगो जो है ये भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी बन गई है इसका हेडक्वार्टर आपको याद रखना है हेडक्वाटर है गुड़गांव में गुड़गांव हरियाणा में अगला जो है आपका नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड दिए गए जिसमें आपके कैटेगरी आती है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी ठीक है तो इस ट्रॉफी के जो विजेता हैं उसमें आपको याद रखना है जो पहले नंबर पर यूनिवर्सिटी है वो है आपका गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर की यूनिवर्सिटी है पहले नंबर पर ठीक है इसे जो है पुरस्कार मिला है और इसमें आपके दो पहला जो रनरअप था वो आपका एलपी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ और तीसरी जो यूनिवर्सिटी थी वो है आपकी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ठीक है तो ये जो तीन यूनिवर्सिटी है ये लगातार आपकी टॉप थ्री में रही जो पहले नंबर पे है गुरु नानक देव अमृतसर इसे आपको याद रखना है अगला है आपका एन टी पी सी एन टी पी सी के बारे में मैंने मैंने आपको बताया कि एन टी पी सी का जो ये कांति में कांती एक्चुअल में बच्चे आपकी जगह का नाम है कहाँ पे बिहार में मुजफ्फरपुर है तो यहाँ पे कांती में एक एन टी पी सी का थर्मल पावर प्लांट है इसीलिए इसे का इसे नाम दिया गया है एन टी पी सी कांति के नाम से एक्चुअल में जो उसका नाम है वो है आपका ठीक है तो यहां से आपको क्या याद रखना है एनटीपीसी कांति को फिक्की का वाटर अवार्ड 2023 पुरस्कार में एक कैटेगरी में सम्मानित किया गया है कैटेगरी कौन सी है इंडस्ट्रियल वाटर यूज एफिशिएंसी कैटेगरी तो इसमें एनटीपीसी कांति को ये पुरस्कार मिला है तो बच्चे इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना कि एन कांति का जो एक्चुअल नाम है आधिकारिक नाम है वो आपका जॉर्ज फर्नांडिस थर्मल पावर प्लांट और ऐसा आपको पूछा जा सकता है कि जॉर्ज थर्मल पावर प्लांट है कहाँ पे तो यह आपका कांति मुजफ्फरपुर बिहार में है ठीक है एन

श्री महावीर प्रसाद सैनी का नाम आपको याद रखना है ठीक है एक आपको मलखंब के कोच है बच्चे श्री गणेश प्रभाकर देव रूकर इनका नाम याद रखना है ठीक है बाकी पांच पर्सनैलिटी को मिला है ये आपको याद रखना है देखिए जितनी भी कैटेगरी में कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स को पुरस्कार मिला है वो आपको याद रखना है जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दो खिलाड़ियों को मिला है चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज ठीक है जो अर्जुन पुरस्कार है ये छब्बीस खिलाड़ी को मिला है ट्वेंटी ठीक है और जो आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार है ये पांच पांच जो है कोचस को मिला है ठीक है तो इस तरीके से जो नंबर ऑफ प्लेयर्स है कम से कम आप याद रखेंगे बाकी जहां पर भी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स आपको बताए हैं मेजर ध्यानचंद तो दोनों का नाम आपको याद रखना है चिराग का और सात्विक साईराज का ठीक है लेकिन 26 खिलाड़ी में मैंने आपको बताया कि 26 में से कौन-कौन से इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखना है ठीक है अगला है आपका एफआईएच का अवार्ड फॉर 2023 2023 में हमेशा बच्चे हर साल फुटबॉल जो हॉकी का फेडरेशन है इंटरनेशनल फेडरेशन है उसके द्वारा भी पुरस्कार दिए जाते हैं तो इसमें आपको दो कैटेगरी याद रखनी है एक तो प्लेयर ऑफ द ईयर मेल इस बार जो है ये भारत के खिलाड़ी है इनका नाम है हार्दिक सिंह ठीक है इंडियन हॉकी के लिए मिडफील्डिंग करते हैं ये आपके हो गए दूसरा जो है आपका गोल ऑफ द ईयर ये बच्चे महिला हैं सविता पुनिया इंडिया सविता पुनिया इस वक्त भारत की हॉकी टीम की क्या है कैप्टन क्या है? है तो ये दोनों ही कैटेगरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो आपको याद रखना है दोनों का नाम सविता पुनिया ठीक है और जो है हार्दिक सिंह हार्दिक सिंह को प्लेयर ऑफ द ईयर मिला है और सविता पुनिया को मिला है गोलकीपर ऑफ द ईयर ठीक है अगला है आपका जैसे आईपीएल होता है वैसे एस, आई एस पी एल भी शुरू होने वाला है ठीक है आई एस पी एल इसमें आपका क्या है ये स्ट्रीट प्रीमियर लीग है और इसमें जो है दस ओवर का गेम होगा इसमें टेनिस बॉल से खेला जाएगा तो इसमें भी आपकी छह टीमें हैं इसमें छह टीमें हैं बच्चे हैदराबाद मुंबई बेंगलुरु चेन्नई कोलकाता श्रीनगर और इन छह टीमों में से जो है आपका अलग अलग टीमों को अलग अलग एक्टर के द्वारा या फिर इंडस्ट्रीज के द्वारा क्या किया जा रहा है ओन किया जा रहा है तो इसी से रिलेटेड हमने न्यूज पढ़ी थी कि इंडियन प्रीमियर इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग में अमिताभ बच्चन मुंबई टीम के क्या हैं ओनर बने हैं ठीक है इन्होंने मुंबई टीम को खरीदा है साथ ही में अगर आप देखें तो अक्षय कुमार के द्वारा श्रीनगर की टीम ली गई है और

उड़ीसा की लैंग्वेज है वहां की ऑफिसियल लैंग्वेज है तो बच्चे उड़ीसा की ही राजधानी भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया गया ठीक है चलिए अब यहां से शुरू होता है आज का आपका करेंट अफेयर अब आपको ध्यान से सुनना है गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग चलिए अब देखिए ये भी आपका एक पुरस्कार है पुरस्कार बच्चे रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज अब यहाँ पे तो पुरस्कार में ही जो है नाम आ जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पे जो पुरस्कार दिया जाता है ये कौन से क्षेत्र में दिया जाता है तो लिटरेरी प्राइज़ है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है इस बार किसे दिया गया इस बार दिया गया है आप राइटर का नाम देखिए सुकिरता पॉल कुमार को सुकिरता पॉल कुमार को पुरस्कार दिया गया और इनकी कौन सी पुस्तक के लिए दिया गया है तो पुस्तक का नाम भी इंपॉर्टेंट है साल्ट एन पेपर ठीक है साल्ट एन पेपर अगर हिंदी में इसे ट्रांसलेट करें तो क्या निकलेगा आपका नमक और मिर्च ठीक है तो साल्ट एन पेपर जो है आपका इनकी पुस्तक है इसके लिए इन्हें 2023 का रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज मिला है ठीक है राइटर का नाम है सुकिरता पॉल कुमार उसके अलावा बच्चे क्या है कि ये जो आपका लिटरेरी अवार्ड है इसमें एक और कैटेगरी ऐड की गई है ठीक है कैटेगरी का नाम क्या है सोशल अचीवमेंट मतलब कि आ, सिर्फ लिटरेचर के फील्ड में ये नहीं दिया जाता है इसमें क्या है कि कोई अगर आ, सोशल वर्कर है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है ठीक है ऐसा नहीं कि हर साल ही ये आपका इस फील्ड में दिया जाएगा लेकिन कभी बच्चे जो आ, ये फाउंडेशन है रविंद्रनाथ टैगोर जो आ, दिया करते हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है सोशल सर्विस के लिए भी ये पुरस्कार दिया जाता है तो इस बार जैसे हम देखें एक तो लिटरेरी पुरस्कार जो है वो तो मिला है सुकिर्ता पॉल कुमार को लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर फाउंडेशन के द्वारा एक और पुरस्कार दिया गया है वो है आपका सामाजिक उपलब्धि के लिए सोशल अचीवमेंट के लिए किसे दिया गया है इनका नाम है आपका अभिजीत बनर्जी ठीक है अभिजीत बनर्जी को सामाजिक कल्याण में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है तो दो जो है पुरस्कार विजेता उनका नाम आपको याद रखना है एक तो साहित्यिक में मिला है सुकृता पॉल कुमार उनकी पुस्तक साल्टेन पेपर के लिए ठीक है और दूसरा जो है वो सामाजिक उपलब्धि के लिए सोशल एक्टिविस्ट हैं जिनका नाम है अभिजीत बनर्जी इन्हें मिला है दो का रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार अगला आपका एक मोबाइल एप्लीकेशन याद रखिएगा मोबाइल एप्लीकेशन का नाम देखिए पाठ मित्रो ठीक है पाद मित्रों

जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कई बार ये जो इंस्टीट्यूट है इसके बारे में पूछा जाता है कि जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका हेडक्वार्टर कहां पे है तो हेडक्वार्टर आपको याद रखना है वेस्ट बंगाल कोलकाता ठीक है वेस्ट बंगाल कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है इन्हीं के द्वारा इसे बनाया गया है ठीक है दूसरा क्या है कि उद्देश्य क्या है हो गया क्या इससे ये जो एप्लीकेशन है इसका इस्तेमाल कौन करेगा इसका इस्तेमाल देखिए जूट किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य एम और कृषि विज्ञान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करना है मतलब ये किसके यूज के लिए बनाया गया है ये किसानों के लिए बनाया गया है जो जूट की खेती करते हैं जूट का उत्पादन करते हैं प्रोडक्शन करते हैं उन फार्मर्स के लिए बनाया गया है तो एप्लीकेशन का नाम है पाटमित्रो आपका मंत्रालय कौन सा है बच्चे मंत्रालय है आपका मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ठीक है कौन सी इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया है तो जो इंस्टीट्यूट इसमें इन्वॉल्व है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये है आपका जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इनके द्वारा इसे डेवलप किया गया है ठीक है और किसके लिए किया गया है जो जूट के किसान है फार्मर है उनके लिए बनाया गया है अगला न्यूज संसद भवन में सुरक्षा में चूक का मामला आप लोगों ने देखा पीयूष गोयल वेरी गुड बच्चे पीयूष गोयल हरदीप सिंह पुरी नहीं पीयूष गोयल याद रखना नाम टेक्सटाइल मिनिस्टर यानी कि कपड़ा मंत्रालय के मंत्री जो है इस वक्त पीयूष गोयल है ठीक है इनके पास में अभी दो तीन मिनिस्ट्रीज हैं ठीक है ठीके? तो एक आपको ये टेक्सटाइल मिनिस्ट्री याद रखनी है एक इनके पास में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका वाणिज्य और उद्योग यानी कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वो भी इनके पास में ठीक है तो गृह मंत्रालय के द्वारा जब सिक्योरिटी चूक का मामला आया था सुप्रीम कोर्ट में जो कि संसद भवन पे जो 2001 में पार्लियामेंट हमला हुआ था उसी की जो है बरसी के दिन ये घटना हुई ठीक है तो सुरक्षा में चूक के बाद में गृह मंत्रालय के द्वारा ये आदेश दिए गए हैं या फिर कहिए एक डिसीजन लिया गया है कि केंद्रीय औद्योगिक के सुरक्षा बल यानी कि सी अब सी को संसद भवन के जो आंतरिक सुरक्षा है उसका जिम्मा सौंपा गया है ठीक है तो बच्चे जो संसद भवन है पार्लियामेंट हाउस है उसके जो बाहरी सिक्योरिटी होगा उसे तो अभी भी दिल्ली पुलिस ही देखेगी लेकिन अब जो आंतरिक सुरक्षा

आपका अभी भी दिल्ली पुलिस ही तैनात रहेगी ठीक है इससे थोड़ा सा याद रखना अगर हम सी की बात करें बच्चे तो कई बार जो है आपके एग्जाम भी बहुत सारे आ, आप लोग आ, हमारी आर्मी से रिलेटेड या फिर जो ऐसे आपके आ, जितने भी सी आई एस एफ हो गया बी एस एफ हो गया रिलेटेड एग्जाम देते रहते हैं तो वहाँ पे एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन आता है कि किसकी स्थापना कब हुई थी तो सी आई एस एफ की स्थापना भी याद रखना कि इसे जो है आपका एक अधिनियम के तहत बनाया गया था 1969 में उन्नीस सौ उनहत्तर था ठीक है केंद्रीय औद्योगिक के सुरक्षा बल सी आई एस एफ अब ये जो है पार्लियामेंट हाउस की सुरक्षा में तैनात की गई है अगली न्यूज देखिए हमने लास्ट फ्राइडे को ही ये न्यूज पढ़ी थी कि जो भारत का डब्ल्यू एफ आई डब्ल्यू एफ आई का मतलब क्या है बच्चे? रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ठीक है भारत का जो कुश्ती महासंघ है कुश्ती संघ है उसके अध्यक्ष के रूप में उसके अध्यक्ष के चुनाव हुए थे ठीक है रेसलर्स के बहुत लंबे हड़ताल के बाद में प्रोटेस्ट के बाद में उसके चुनाव हुए और चुनाव में जो व्यक्ति जीत करके आया उनका नाम हमने याद किया था फ्राइडे को संजय सिंह ठीक है इस व्यक्ति को जीत मिली थी लेकिन ये बच्चे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे खिलाड़ी उसका आपने उसके बाद भी देखा होगा जब संजय सिंह की संजय सिंह जीत करके आए तो जो खिलाड़ियों के द्वारा जो प्रतिद्वंदी उठाई गई थी महिला थी वो जो है हारी इसमें ठीक है इस चुनाव में, में वो हारी और ये जीते हैं तो ये भी बताया जा रहा है कि जिनके खिलाफ पूरे के पूरे एलिगेशन खिलाड़ियों के द्वारा लगाए गए हैं बृजभूषण पांडे उनके साथ के ही है या फिर उनके जो है बहुत करीबी माने जाते हैं संजय सिंह ठीक है तो इसमें फायदा खिलाड़ियों का नहीं हुआ ठीक है उसके बाद में आपने देखा साक्षी मलिक ने जो है ये बयान भी जारी किया कि आप जो है उनके द्वारा कुश्ती छोड़ दी जाएगी तो बच्चे उस न्यूज़ के बाद में साक्षी मलिक के उस बयान के बाद में स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने क्या किया है यूनियन स्पोर्ट्स जो मिनिस्ट्री है उनके द्वारा क्या क्या गया है रेसलिंग फेडरेशन इंडिया को कुछ समय के लिए क्या कर दिया गया है सस्पेंड कर दिया गया है ठीक है और ये जो चुनाव है उन्हें भी स्थगित कर दिया गया है ठीक है तो कुछ समय के लिए जब से जब तक यहाँ पे पूरा दोबारा से जो है पूरी केस की सुनवाई नहीं हो जाती दोबारा से दोबारा से चुनाव का आयोजन नहीं जाता तब तक जो है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को यह कहा गया है कि अब जो है डब्ल्यूएफआई का पूरा पूरा जो आ, काम है संस्था का जो भी काम है वो इनके द्वारा देखा जाएगा ठीक है तो खेल मंत्रालय ने भारतीय ओलंपिक संघ से डब्ल्यूएफआई के मामलों को नियंत्रित करने प्रबंधित करने के लिए एक तदर्थ निकाय का गठन करने के लिए भी कहा है तो ये थोड़ा सा न्यूज़ आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है ठीक है हमने अपॉइंटमेंट में ये न्यूज़ पढ़ी थी कि संजय सिंह को डब्ल्यू का प्रेसिडेंट घोषित किया गया है उन्होंने इलेक्शन जीता था बेसिकली ठीक है चुनाव जीता था लेकिन उसके बाद में बच्चे खिलाड़ियों की इस तरीके से प्रतिक्रिया जो आई तो उसके बाद में जो है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने इसमें इंटरवीन किया और उसके बाद में इन्होंने ये फैसला सुनाया ठीक है तो अभी जब तक ये पूरा का पूरा मामला सॉर्ट नहीं हो जाता तब तक जो है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन आई ठीक है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ही अब जो है इसे क्या करेगी तब तक मैनेज करेगी तब तक जो है इसका कामकाज देखेगी उसके लिए जो है एक समिति का गठन भी नीके द्वारा किया जाएगा ठीक है तो न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है खास करके जो जो व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है संजय सिंह हो गए व्रजभूषण पांडे हो गए ठीक है उनका नाम थोड़ा सा आपको याद रखना है अगला अगली न्यूज भी आपकी स्पोर्ट्स रिलेटेड है खेलो इंडिया यूथ गेम्स इसके बारे में हमने पढ़ा कि इस बार यानी कि 2024 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होगा ये कहाँ पे होगा ये होगा चेन्नई में ठीक है चेन्नई यानी कि तमिलनाडु में तमिलनाडु राज्य के द्वारा इसे होस्ट किया जाएगा और तमिलनाडु के अलग अलग शहरों में इसको आयोजित किया जाएगा ठीक है अब क्या हुआ है इससे रिलेटेड खेलो इंडिया यूथ गेम का अनुराग ठाकुर अनुराग ठाकुर कौन है बच्चे वर्तमान में खेल मंत्री खेल मंत्रालय के मंत्री हैं अनुराग ठाकुर इनके द्वारा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जर्सी लोगो मैस्कट थीम सॉन्ग सब कुछ लॉन्च किया गया है तो सब कुछ तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है हाँ मैस्कट याद रखिएगा इसका कि इसका शुभांकर क्या है ठीक है मैस्कट ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 2024 ये आपका जनवरी से शुरू हो जाएगा 19 जनवरी से शुरू हो जाएगा ठीक है और कहाँ पे होगा ये तमिलनाडु के द्वारा होस्ट किया जा रहा है तो तमिलनाडु में अलग अलग जगह पे इसे खेला जाएगा ठीक है अब देखिए आपको शुभंकर का नाम याद रखना है यह है वीरा मंगई वेलू नाचियार यहाँ पे देखिए बच्चे अनुराग ठाकुर सुभा के साथ में मैस्कट के साथ में है तो इस इनका नाम क्या है मैस्कट का वीरा मंगई वेलू नाचियार ठीक है ये थोड़ा सा आपको याद रखना है दूसरा जब ये स्टार्ट होंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स तो जब भी कोई टूर्नामेंट शुरू होता है तो उसमें आप लोग देखते होंगे ओपनिंग सेरेमनी होती है ओपनिंग सेरेमनी में जो है आपके ध्वजवाहक होते हैं ठीक है ठीके? तो इंडिया की तरफ से जो इसे खेलो इंडिया यूथ गेम की मशाल जो है उसे होस्ट करने वाले जो खिलाड़ी हैं उनका नाम थोड़ा सा याद रखना एक तो स्क्वेश की चैंपियन है जिनका नाम है जो ठीक है और एक बच्चे हॉकी खिलाड़ी इनका नाम है एस मरी तो एस ठीक है तो और के खिलाड़ी हैं जोशन चेनप्पा इनके द्वारा ये जो मसाल है खेलो इंडिया यूथ गेम्स की उसको जो है आपका यहां तक लेकर के आएंगे ठीक है तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है दोनों खिलाड़ियों का नाम जो इसमें इन्वॉल्व हैं जिन्हें चुना गया है ये काम करने के लिए ठीक है आपको शुभांकर का नाम याद रखना है मैस्कट का नाम याद रखना है वीरा मंगई वेलू नचियार है और इसका जो है अभी ये शुरू होगा जनवरी में शुरू होगा कहां पे तमिलनाडु में शुरू होगा ठीक है उसके बाद फिर जब समाप्त होगा फिर से हम पढ़ेंगे पदक तालिका में कौन सा स्टेट ऊपर रहा ठीक है किसने सबसे ज्यादा मेडल जीते लेकिन फिलहाल अभी इतना याद रखना अगला एक एग्रीमेंट है एग्रीमेंट में इन्वॉल्व दो, दो दो जो पार्टी है उनका नाम हम देखते हैं एक तो बच्चे आपका मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है ठीक है ग्रामीण विकास मंत्रालय और इसके इसने जो है एग्रीमेंट किया है किसके साथ में रिलायंस के रिटेल्स जियो मार्ट के साथ में रिलायंस के जियो मार्ट के साथ में इसने एक एग्रीमेंट पे हस्ताक्षर किए हैं अब ये जो एम है या फिर ये जो आपका एग्रीमेंट है ये किस चीज़ से रिलेटेड है यहाँ से इस मंत्रालय को करवाना क्या है तो बच्चे मंत्रालय के द्वारा ये जो आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय है इनके द्वारा एक योजना चलाई जाती है ठीक है योजना का नाम क्या है योजना का नाम देखिए दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लेवलीहुड मिशन ठीक है तो ये जो योजना है ये चलाई जाती है अब इसके तहत क्या क्या जाता है ये दीन दयाल नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन है तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार उत्पन्न करने से रिलेटेड है ठीक है ग्रामीण लोगों को जो रूरल इंडिया में जो लोग रह रहे हैं उनको जो है आपका रोजगार मुहैया करवाता है यहाँ पे आपको फोटो में दिख रहा होगा किस तरीके से जो है आपका स्वयं सहायता समूह है ठीक है खास करके जो महिला स्वयं सहायता समूह होते हैं उनको जो है आपका काम देने का काम करते हैं ठीक है उन्हें उनके छोटे छोटे ग्रुप बनाए जाते हैं जैसे कि आपका कोई हाथ से बनने वाला सामान हो गया ठीक है कुछ भी ऐसा चीज जो कि गांव में बनाई जा सकती है वो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उसके बाद उस प्रोडक्ट को जो है आपका वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बेचा जाता है ठीक है तो अभी जो है ये रिलायंस जियो मार्ट के साथ में ये जो एग्रीमेंट है इसी से रिलेटेड है कि जो भी ये महिलाएं या फिर जो भी ऐसे स्वयं सहायता समूह है उनके द्वारा जो भी प्रोडक्ट बनाए जाएंगे वो जियो मार्ट में जो है उपलब्ध होंगे ठीक है बस ये एग्रीमेंट हुआ है किसके बीच में ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ में और आपका जियो मार्ट रिलायंस का जो रिटेल जियो मार्ट है उसके साथ में ठीक है बाकी अगर हम इस योजना को देखें तो ये योजना बहुत पुरानी है बच्चे एक नाइनटीन uh, में उन्नीस में, 1999 में ये योजना आपकी शुरू हुई थी लेकिन अलग नाम से इसका नाम था स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना ठीक है ये भी कई बार स्टार्टिंग में पूछा जाता है इकोनॉमिक्स में तो इसे याद रखना कि कब शुरू हुई थी तो सबसे पहले बच्चे आपका ये स्वर्ण जयंती ग्राम ग्राम स्वरोजगार योजना शुरू हुई थी 1999 में ठीक है 1999 में उसके बाद में अब की वर्तमान जो सरकार है उन्होंने क्या किया 2016 में इस योजना का नाम बदल करके कर दिया दीन दयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ये कर दिया ठीक है अब इसमें ऑब्वियस बात है कि सिर्फ नाम नहीं चेंज किया गया है बहुत सारे इसमें कार्यक्रम ऐसे हैं जो नए इंक्लूड किए गए हैं ठीक है नई चीजें इसमें हैं महिलाएं जो है महिलाओं का जो स्वयं सहायता समूह होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जिन्हें हम कहते हैं वो जो है इसमें इन्वॉल्व हुए हैं उन्हें जो है आपका सरकार अब अपना जो बिजनेस है अपना स्टार्टअप है उसे स्टार्ट करने के लिए कम ब्याज दरों पर लोन भी देती है तो बहुत सारी चीजें जो है इस योजना में अब इन्वॉल्व हुई हैं ठीक है ठीके? तो इस थोड़ा सा इसे याद रखना न्यूज तो इंपॉर्टेंट है ही लेकिन न्यूज के अंदर जो आपकी स्कीम है बच्चे उसके बारे में याद रखना थोड़ा सा ठीक है ये कि किस चीज से रिलेटेड आपका स्कीम इस है इसे कौन सा मंत्रालय चलाता है पहले ये कब शुरू हुआ था तो अगर ऐसा पूछा जाए कि दीनदयाल जो आपका जो आज योजना का नाम है दीनदयाल अंत्योदय योजना ये कब शुरू हुई थी तो तब हम कहेंगे सिर्फ 2016 में लेकिन इतना याद रखना कि 2016 में सिर्फ इसका नाम बदला है थोड़ा सा इसे रीडिज़ाइन किया गया है एक्चुअल में ये योजना आपकी 1999 की है ठीक है उन्नीस की है और उन्नीस में ये किस नाम से लॉन्च हुई थी स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना के नाम से ठीक है तो जहाँ पर भी स्कीम वाला कोई भी न्यूज़ आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्कीम के बारे में स्कीम का उद्देश्य क्या है कौन से कम्युनिटी को हेल्प कर रही है और कौन सा मंत्रालय इसे जो है चला रहा है ठीक है कौन से मंत्रालय के द्वारा इसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है वो आपको याद होना चाहिए अगली न्यूज क्या है आपकी इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय न्यूज है बच्चे देखिए आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा जो तो होते हैं उनके द्वारा एक अभी तक का सबसे है आपका ज्ञात किला मिला है ठीक है वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नॉन फोर्ट इन्हें मिला है और कहाँ में मिला है इसलिए जो है आपका ये एरिया भी कहीं ना कहीं क्या हो गया है सुरखियों में आ गया ये है आपका साइबेरिया ठीक है किले का मतलब तो पता है ना आपको जब जस्ट जिस टाइम पे बचे आ, अलग अलग जगह संस्कृतियां बन रही थी उस टाइम पे आपने देखा कि बहुत सारे युद्ध जो है वो कंडक्ट करवाए जाते थे राजा महाराजा वाला जो एरा चलता था उस समय जो है लोग अपनी सिक्योरिटी के लिए जो है किले बनाए करते थे ठीक है फोर्ट बनाए करते थे या फिर अपने रहने के लिए किले बनाए करते थे ठीक है तो अभी तक का जो सबसे पुराना जो है नोन किला है सबसे पुराना जो ज्ञात किला है वो मिला है और वो कहाँ पे मिला है साइबेरिया में मिला है ठीक है इसका नाम बचे इन्होंने ये जो आपका फोर्टिफाइड है या फिर ये जो किला है इसका नाम इन्होंने क्या बताया है इसका नाम है आपका अमन्या अब अमन्या क्यों क्योंकि यहाँ पे एक रिवर बहती है अमन्या रिवर उसी के किनारे जो है इन्हें ये किला मिला है इसीलिए इस जगह का नाम जो है आपका अमन्या रखा गया है ठीक है तो थोड़ा सा याद रखना है कि अमन्या जो कि साइबेरिया में है यहाँ पे अब तक का दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात किला मिला है ठीक है और अमन्या नदी जो है आपकी ये साइबेरिया में ही बहती है साइबेरिया कौन सा वाला रीजन कहलाता है साइबेरिया को देखिए ये बच्चे आपका एशिया का मैप है ठीक है ये आपका नॉर्थ एशिया है नॉर्थ एशिया मतलब आपको ये कजाकिस्तान दिख रहा है उज्बेकिस्तान दिख रहा है अफगानिस्तान दिख रहा है नीचे जो है आपका ये इंडिया होगा ठीक है तो मतलब भारत के उत्तर में जाएंगे तो पूरा का पूरा सबसे बड़ा जो देश है दुनिया का रसिया वो आपको देखने को मिलेगा तो साइबेरिया जो है आपका वो रीजन है रसिया का जहां पर अधिकतर समय में जो है बर्फ ही रहती है बर्फ से ढका हुआ है नॉर्थ पोल के बहुत करीब है ठीक है और यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा ठंड वाली जगह भी यहीं पर है ठीक है साथ ही में बच्चे साइबेरिया में ये मत सोचिएगा कि सिर्फ रसिया का एरिया इंक्लूड है एक और देश इसमें इन्वॉल्व है वो है कजाकिस्तान ठीक है यहाँ पे आपको कजाकिस्तान दिख रहा है ना तो कजाकिस्तान का जो उत्तरी क्षेत्र है जो नदन साइड है कजाकिस्तान का वो भी आपका इंक्लूड होता है साइबेरिया में तो साइबेरिया जो है आपका वो कजाकिस्तान का उत्तरी क्षेत्र और जो रसिया है रसिया का भी जो उत्तरी और ये उत्तरी और ये पश्चिमी क्षेत्र ये पूरा का पूरा जो है आपका साइबेरिया कहलाता है इस तरीके से ठीक है ये आपका साइबेरिया कहलाता है और यहीं पे जो है दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात किला मिला है तो इस जगह का नाम है अमन्या और ये अमन्या नदी के किनारे है तो थोड़ा से से भी याद रखिएगा जो भी स्थान अंतरराष्ट्रीय न्यूज़ में होते हैं बच्चे वो आपको पता होने चाहिए ठीक है कौन कहाँ पे है अगला आपका यूनेस्को के द्वारा बेंगलुरु के केम्पेगोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल 2 को दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है ठीक है तो ये आपका खबरों में आ जाता है इस कारण दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों में से एक जो है आपका इंडिया में है और इसका नाम क्या है कैंपे घोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कैंपे गोड़ा हवा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है कहाँ पर पूछा जाएगा तो ये आपका बेंगलुरु और बेंगलुरु कहाँ पर कर्नाटका में ठीक है तो इसे याद रखना यहाँ पे है और किसके द्वारा बच्चे इसे टाइटल दिया गया है तो इसे ये टाइटल दिया गया है यूनेस्को के द्वारा और ऐसा मत सोचिए कि दुनिया में सबसे खूबसूरत यही है, ठीक दुनिया में जो सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे हैं बहुत सारी लिस्ट है तो उसमें से जो है आपका एक ये भी है अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ठीक है ये ये आपको याद रखना, देखिए इसका ये अंदर की फोटो है इसके तो बहुत ही खूबसूरत है हम यूनेस्को की बात करें तो ये आपका यूनाइटेड नेशन का एक ऑरियन है ठीक है यूनाइटेड नेशन का एक अंग है ये भी आपका 1945 में बना है इसका हेडक्वार्टर आपका पेरिस में है फ्रांस में और इसके वर्तमान में जो डायरेक्टर हैं उनका नाम हमने अभी दो दिन पहले याद पढ़ा था इनका नाम है ऑद्रे ओजुले ठीक है तो इनका नाम भी आपको याद रखना है तो बेंगलुरु का कैंपेगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसका नाम और ये किस कारण से न्यूज़ में है दोनों आपको याद रखने हैं अगला सेम है यूनेस्को से ही रिलेटेड है यूनेस्को के द्वारा बच्चे बहुत सारे टाइटल अनाउंस किए गए हैं जिसमें से आपने आपने देखा एक तो अभी सबसे खूबसूरत हवाई वाला और एक आपका है अवॉर्ड ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस ठीक है तो ये अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस किसे मिला है पंजाब में दो जगह हैं बच्चे एक तो आपका है रामबाग गेट राम बाग गेट और एक आपका रैमटर्स ठीक है तो दो आपके प्रोजेक्ट हैं पंजाब में राम बाग गेट और रैमटर्स परियोजना इनको जो है आपका अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस मिला है किसके द्वारा यूनेस्को के द्वारा ठीक है तो यूनेस्को के द्वारा इन दोनों को ये पुरस्कार मिला है और अगर हम पुराने जो पुरानी विरासत वाले जो हेरिटेज वाली है ओल्ड हेरिटेज वाली जो जगह है उस वाली कैटेगरी में देखिए तो यूनेस्को के द्वारा दो जगह हैं एक तो हरियाणा का एक चर्च है बच्चे हरियाणा का चर्च है चर्च ऑफ एपी चर्च ऑफ एपी और दिल्ली का जो है आपका बिकानेर हाउस इन दोनों को जो है आपका इनके कंजर्वेशन के लिए ठीक है इनके सन इनसे संबंधित जो विरासत है उसके संरक्षण परियोजनाओं को जो है आपका ये पुरस्कार दिया गया है तो थोड़ा सा ये आपको याद रखना है दो दो टाइटल हैं यूनेस्को के एक तो आपका अर्बन रीवाइटलाइजेशन है ठीक है हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए मिला है एक तो हरियाणा का चर्च ऑफ एपिफेनी है और दिल्ली का जो है आपका बीकानेर हाउस है और एक जगह जो है ये दो पंजाब है पंजाब में रामबाग गेट है और रेमटर्स परियोजना है प्रोजेक्ट है जिसे कि अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस का पुरस्कार दिया गया है किसके द्वारा यूनेस्को के द्वारा तो ये पूरे के पूरे जो है आपके इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया की जगह है ठीक है इसमें बच्चे बहुत सारी बड़ बहुत बड़ी लिस्ट है जो कि अलग अलग कंट्री से अलग अलग जगह को जो इस लिस्ट में लिस्ट नामित किया गया है लेकिन मैं सिर्फ उन्हें बता रही हूँ जो कि इंडिया से रिलेटेड है ठीक है तो दो कैटेगरी जिसमें कि दो भारत की जगह है ठीक है और एक कैटेगरी जिसमें कि आपके पंजाब की एक जगह है तो इन दोनों को आपको याद रखना है ठीक है कौन कौन सी कैटेगरी में और अगर अवार्ड ना भी पूछा जाए कि कौन सी कैटेगरी में कौन सी लिस्ट में जो है भारत के किसी स्थान को जगह मिली है आपको ये याद रखना है कि ये जगह कहाँ पर है जैसे कि आपको पूछा जाए कि रामबाग गेट कहाँ पे तो आपको याद रखना है ये पंजाब में है आपको कि Church of Epiphany कहां पे है, तो है? है. है, तो है, है ठीक तो इस तरीके से जो चीजें आपकी खबरों में रहती है सुर्खियों में रहती हैं वो आपको पता होनी चाहिए में है कौन से यूनियन टेरिटे में है ठीक है अगला जो न्यूज है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन महिला आयोग जिसे हम कहते हैं महिला आयोग के बच्चे ये पूर्व चेयरमैन रहीं और इन्हें जो है बहुत फेमस वकील के रूप में भी जाना जाता है एडवोकेट के रूप में भी जाना जाता है वुमेन राइट्स के लिए इन्होंने बहुत जो है काम किए हैं और पद्म भूषण इन्हें दो में मिला है तो नाम है मोहिनी गिरी इनकी इनका जो है हाल ही में इंतकाल हो गया है इनका देहांत हो गया ठीक तो है तो मोहिनी गिरी अगर आपसे फील्ड पूछा जाए कि कौन से फील्ड से रिलेटेड है तो आपको याद रखना है समाज सेविका भी कह सकते हैं लेकिन ज़्यादा जो अप्रोप्रिएट होगा इनके लिए वो होगा एडवोकेट ठीक है तो, जाना जाता है, तो कमिशन की, ये पूर्व चेयरमैन रही हैं ठीक है एडवोकेट और वुमेन राइट्स के लिए इन्होंने बहुत जो है काम भी किया है तो ये सोशल एक्टिविस्ट भी हो जाती हैं ठीक है ठीके? पद्म भूषण इन्हें दो में मिला है तो नाम थोड़ा सा याद रखना मोहिनी गिरी मोहिनी गिरी चलिए अब आपका यहाँ पे हो जाता है न्यूज़ वाला सेशन समाप्त गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग हाँ वही मैं कह रही हूँ ना देखिए बिकानेर है तो राजस्थान में लेकिन बिकानेर हाउस जो है आपका वो दिल्ली में है ठीक है राजस्थान में नहीं अब आंसर बताइए निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत में हरित क्रांति नीतियों के रूप में उपयोग किए जाने वाले उच्च उपज वाले किस्म के बीजों से संबंधित है बताओ बच्चे हरित क्रांति जब हमारे देश में चलाई गई थी उसमें आपका एक पॉलिसी इन्वॉल्व थी कि जो बीज है वो अब उच्च क्वालिटी के ठीक है हाई हिल्डेड जो सीड्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा तो वो जो सीड्स हैं वो हमें मुहैया किसने करवाई थे या फिर प्रोवाइड किसने किए थे ठीक है रसिया है मैक्सिको है चाइना है या फिर यूएसए है बताओ किसने दिए थे बच्चे कौन सा देश है हरित क्रांति ग्रीन रिवोल्यूशन जब हमारे देश में चला था तो उसमें बहुत सारी नई नई पॉलिसी लाई गई थी उसमें से आपका ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी थी कि जो बीज है वो अच्छे बीज इस्तेमाल किया जाए ठीक है बीजों को रिप्लेस किया गया जो ट्रेडिशनल हमारे किसान थे उनके द्वारा तो जो बीज इस्तेमाल किए जा रहे थे उन्हें रिप्लेस किया गया और बीज मंगाए कहाँ से गए मैक्सिको से मंगाए गए ठीक है तो इसे थोड़ा सा याद रखना कि जो हाई इल्डिड या फिर जो उच्च उपज वाले जो बीज थे वो हमें या फिर इंडिया को किसने दिए थे मैक्सिको ने बचे ठीक है मैक्सिको क्योंकि हमसे पहले जो है मेक्सिको के द्वारा ग्रीन रिवोल्यूशन बहुत ही सक्सेसफुल जो है सक्सेसफुल तरीके से उन्होंने अपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया हुआ था ठीक है तो याद रखना मैक्सिको अगला है सोहराई करम और जावा त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाए जाते हैं बताओ बच्चे सोहराई करम या फिर जावा त्यौहार राजस्थान है आंध्र प्रदेश है हरियाणा है या फिर झारखंड है कौन सी जगह ये सेलिब्रेट किया जाता है जावा जावा सोहराई या फिर करम कर्मा या करम कौन से स्टेट है ये कर्मा और सोहराई ये जावा तो अगला आपने नहीं भी सुना होगा लेकिन कर्मा और सोहराई तो आप लोगों ने सुना होगा बच्चे कर्मा और सोहराई जो है झारखंड से रिलेटेड है ये ठीक है तो कर्मा सोहराई और जावा अगला है किसी व्यक्ति या जनसंख्या का उसके पर्यावरण के सभी पहलुओं से संबंध व्यक्त करने के लिए हचिनसन ने 1957 में कौन सी अवधारणा प्रस्तावित की थी एनवायरमेंट को क्वेश्चन है ठीक है एनवायरमेंट को क्वेश्चन है रिलेशनशिप ऑफ एन इंडिविजुअल और ऑल ऑफ इट्स एनवायरनमेंट हमारे वातावरण के साथ में हमारा क्या संबंध है इसको लेकर के एक थ्योरी है जिसे दिया था हचिंसन नाम के साइंटिस्ट ने एकोलॉजिस्ट ने 1957 में तो बस इस थ्योरी का नाम आपको बताने कि इस थ्योरी का नाम क्या है कौन सी वाली हो सकती है बताओ सबसे पहले है इकोलॉजिकल स्ट्रेटिफिकेशन के स्त्रीकरण फिर इकोलॉजिकल पिरामिड परिस्थिति के पिरामिड या फिर इकोलॉजिकल सक्सेशन परिस्थिति के उत्तराधिकार या फिर इकोलॉजिकल नीश यानी कि परिस्थिति के कर्मता क्या कहा जाता है इसे इस थ्योरी को, को कहा जाता है इस अवधारणा को कहा जाता है इकोलॉजिकल नीच ठीक है इकोलॉजिकल नीच या फिर परिस्थिति कर्मता इसे याद रखना बच्चे परिस्थिति कर्मता किसने दिया था यह हजिनसन ने दिया था 1957 में और ये जो थ्योरी है ये किससे रिलेटेड है कि कोई व्यक्ति कोई इंडिविजुअल यानी कि कोई एक व्यक्ति और इसमें व्यक्ति नहीं सिर्फ इंसान की बात नहीं हो रही है कोई भी जो है आपका जीवित प्राणी ठीक है उसमें आपका वन्य जीव भी आ जाता है तो कोई भी आपका इंडिविजुअल है या फिर बहुत बड़ी संख्या में जो है लोग है ग्रुप ऑफ पीपल है ग्रुप ऑफ एनिमल है वो अपने इन्वायरमेंट प्रति जो है किस तरीके से जो है उसे एडोप्ट करते हैं एडोप्ट करने एडोप्ट करने के बाद में कैसे खुद को परिवर्तित कर देते हैं उसी पे आपके पूरी की पूरी अवधारणा है ये थ्योरी है तो इससे थोड़ा सा याद रखना इकोलॉजिकल निश अगला है पारो से पारो से ये सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है कहाँ का मालदीव है भूटान है म्यांमार है या फिर चाइना है कौन से देश का है ये पारो सेचू पारित से चुपचे मालदीव का है भूटान का है म्यांमार का है और आपका चाइना का है कहाँ कहाँ का लग रहा है आपको नाम से बताओ वेरी गुड ऑप्शन नंबर टू ये है भूटान का ठीक है कहाँ का ये भूटान का अगला पद्मश्री से सम्मानित भरतनाट्यम कुचिपुड़ी और सतरिया नृत्य की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित प्रतिपादक इनका नाम है इंदिरा पीपी बोरा इंदिरा पीपी बोरा भारत के किस राज्य से हैं बताओ इंदिरा पीपी बोरा इन्हें जाना जाता है भरतनाट्यम डांसर के रूप में कुचिपुड़ी और सतरिया डांस डांसर के रूप में ये कौन से स्टेट की हैं स्टेट बताइए कौन से राज्य के हैं इंदिरा पीपी बोरा इनका नाम याद रखना इंदिरा पीपी बोरा शास्त्रीय नृतिका है ठीक है और इनका संबंध है आसाम से ठीक है कहां से रिलेटेड है ये आसाम से अगला निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हरित क्रांति का सकारात्मक प्रभाव नहीं रहा है ग्रीन रिवॉल्यूशन के जो परिणाम थे उसमें से कुछ नेगेटिव थे कुछ आपके पॉजिटिव थे तो पॉजिटिव जो परिणाम थे जो रिजल्ट थे उसमें से नहीं है इनमें से एक ठीक है सबसे पहले है बेनिफिट टू फार्मर कि किसानों को जो बेनिफिट यानी कि किसानों को जो फायदा हुआ है ठीक है इंडस्ट्रियल ग्रोथ ये ग्रीन रिवोल्यूशन के कारण जो है औद्योगिक में जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें जो है ग्रोथ देखने को मिली ठीक है औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि या फिर आपका रिड्यूस्ड इम्पोर्ट ऑफ ऑफ फूड ग्रेन्स कि इसके बाद क्या हुआ कि जो हम खाद्यान्न बाहर से खरीद रहे थे इम्पोर्ट कर रहे थे उसमें जो है कमी देखने को मिली ठीक है फिर आपका नॉन फूड ग्रेन्स एक्सक्लूडेड कि जो नॉन फूड ग्रेन है नॉन फूड का मतलब क्या है जो खाद्यान्न नहीं है ठीक है अखाद्यान्न जो है जो खाद्यान्न नहीं फूड ग्रेन्स नहीं है वो जो है आपका क्या हो गए उन्हें जो है आपका खेती से मतलब एक्सक्लूड कर दिया गया उन्हें इग्नोर कर दिया गया ठीक है तो सकारात्मक प्रभाव नहीं रहा बताओ कौन सा हो सकता है सकारात्मक प्रभाव इंडस्ट्रियल ग्रोथ सकारात्मक प्रभावों में से नहीं है ठीक है नहीं रहा तो देखिए एक ही है जो आपको पॉजिटिव नहीं लग रहा है फार्मर की ग्रोथ ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है बच्चे जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था भारत में हालांकि उसने सिर्फ गेहूं पे ज्यादा असर डाला लेकिन फार्मर के लिए बहुत बेनिफिशियल हुआ क्योंकि एक तो हमने नए प्रकार के बीजों का इस्तेमाल करना सीखा ठीक है दूसरा क्या है कि हमने जो है टेक्नोलॉजी को अपनी फार्मिंग में इंक्लूड किया था पहली बार आप सभी को पता है कि आज तो जो भी आपके बड़े जो जमींदार या फिर बड़े जो आपके किसान होते हैं उनके द्वारा आप लोगों ने देखा होगा कि मैन पावर का बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज्यादा होता है उनके प्रोडक्शन की जो लागत लागत है एक तो वो आपकी सही रहती है दूसरा क्या है कि काम जो है बहुत जल्दी से हो जाता है ठीक है तो उनका प्रोडक्शन जो है उसमें वृद्धि होती है तो बेनिफिट टू फार्मर ये तो बिल्कुल सही बात है कि बेनिफिट हुआ किसानों को हुआ ठीक है इंडस्ट्रियल ग्रोथ ये भी देखने को मिला था ठीक है इंडस्ट्रियल ग्रोथ इंडस्ट्रियल ग्रोथ का रीजन क्या है बच्चे क्योंकि इंडस्ट्रीज जो है वो कहीं ना कहीं उनके लिए इंडस्ट्रीज uh, कोई भी इंडस्ट्रीज हो उनके लिए एक चीज होती है जिसपे इंडस्ट्री टिकी होती है वो है कच्चा माल रॉ मटीरियल ठीक है रॉ है इंडस्ट्री है उसका रॉ मटेरियल क्या है कपास है ठीक है ठीके? तो कॉटन के उत्पादन अगर नहीं होगा कॉटन का प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा तो ऑबियस बात है ना कि इंडस्ट्रीज भी जो है आपका अच्छा नहीं करेंगे ठीक है तो इंडस्ट्रीज भी आपके ग्रो की किसके बाद में ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद में, में ठीक है ये हो गया आपका रिड्यूस इम्पोर्ट ऑफ फूड ग्रेन ये तो बहुत कॉमन सी बात है कि जब हमने गेहूं का जो उत्पादन है बचे इसमें जो उद्देश्य एम रखा गया था उद्देश्य रखा गया था उसे भी हमने क्या कर लिया था अचीव कर लिया था उससे ज्यादा जो है हमने प्रोड्यूस कर लिया था गेहूं जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था भारत में ठीक है तो फूड ग्रेन बाहर से खरीदने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी ठीक है तो ये भी आपका बिल्कुल सही है जो नहीं हुआ वो है आपका नॉन फूड ग्रेन एक्सक्लूडेड यानी कि ग्रीन रिवोल्यूशन से जो नॉन फूड ग्रेन्स है उन्हें एक्सक्लूड किया गया यानी कि उन्हें बाहर रखा गया तो ऐसा नहीं है बच्चा ठीक है मुख्य रूप से या फिर कह सकते हैं कि ग्रीन रिवोल्यूशन का जो मुख्य फोकस था वो था आपका खाद्य न फसलों पर जैसे कि आपका गेहूं हो गया या फिर आपका चावल हो गया लेकिन जो किसान है वो तो आपको पता है ना कि जब गेहूं की खेती की जाती है तो गेहूं के साथ में मटर भी बोया जाता है गेहूं के साथ में चना भी बोया जाता है मतलब जो नॉन फूड ग्रेन्स है उनकी भी खेती की जाती है ठीक है तो अगर वहां पर फर्टिलाइजर दिया जा रहा है तो वो सभी ए, 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 सभी जो आपकी ग्रेन हैं उन्हें दिया जा रहा है अगर उसमें जो है आपका कोई भी अलग प्रकार का जो बीज दिया जा रहा है वो आपका हर ग्रेन के लिए दिया जा रहा है तो ऐसा नहीं था कि जो आपके नॉन फूड ग्रेन्स थे उनको जो है आपका छोड़ दिया गया ठीक है तो ये बात इसमें गलत है बाकी तीनों बातें आपके सही हैं कि ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद में भारत में जो है ये ये पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिले थे ठीक है अगला क्या है आपका अच्छा दो स्टेटमेंट है इसके बारे में आपको बताना है कि कौन सा वाला सही है हाँ सेलेक्ट द करेक्ट आंसर अब देखिए ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम बृहद हिमालय पर्वतमाला से होता है माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है कौन सी वाली बात इसमें गलत है दोनों ही स्टेटमेंट ब्रह्मपुत्र को लेकर के हैं, ठीक है दोनों ही बातें ब्रह्मपुत्र को लेकर के हैं तो आपको बताना है कि सही कौन सी वाली बात है आसान क्वेश्चन है देखिए ब्रह्मपुत्र जो नदी है बच्चे ये निकलती हिमालय पर्वतमाला लिखा हुआ है ये गलत है हिमालय पर्वतमाला का बृहद हिमालय ठीक है बृहद हिमालय से नहीं निकलती ग्रेटर हिमालय से नहीं निकलती है ये ये ट्रांस हिमालय वाला जो रीजन है तिब्बत में जो आपका आता है वहां से निकलती है ठीक है तो ये स्टेटमेंट इसका गलत है बाकी ये सही है कि माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और ये आपका असम में कि कौन कौनसी नदी पे बना हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है ठीक है तो सेकेंड ओनली इज करेक्ट ये आपका सही है ऑप्शन नंबर बी अगला प्रश्न अरावली पर्वत श्रृंखला इसके बारे में दो स्टेटमेंट है आपको बताना है कि कौन सा वाला सही है पहला स्टेटमेंट है कि यह विश्व के सबसे पुराने वलित पर्वतों में से है फिर है आपका यह महाराष्ट्र कर्नाटक और गुजरात राज्य से होकर के जाता है बताओ अरावली पर्वत रेंज ओनली टू अच्छा कौन सा वाला सही सही बताना है बच्चे इसमें आपको सही बताना है देखिए पहला वाला यह विश्व के सबसे पुराने वलित पर्वतों में से एक है और दूसरा वाला है आपका कि यह महाराष्ट्र कर्नाटक और गुजरात राज्यों में से होकर के गुजरती है ध्यान से पढ़िए जरा सेंटेंस को दूसरा वाला गलत है ठीक है पहला वाला तो बिल्कुल सही है सबसे पुराने ये जो है आपके वलित पर्वत है सबसे पुराने जो है फोल्ड माउंटेंस है ये अरावली दुनिया के सबसे पुराने हैं ठीक है तो ये तो बिल्कुल सही बात है इसमें गलत क्या है बच्चे स्टेट का नाम गलत दिया हुआ है महाराष्ट्र कर्नाटक गुजरात ठीक है यहां पे नहीं है अरावली अरावली गुजरात से स्टार्ट होती है ठीक है गुजरात में इसका पार्ट इसका पार्ट आपका राजस्थान में देखने को मिलेगा फिर आपको हरियाणा में देखने को मिलेगा इसीलिए अब चूंकि हरियाणा में है तो जो दिल्ली एनसीआर वाला क्षेत्र है दिल्ली में वहां पर भी आपको देखने को मिलता है ठीक है तो ये तीन स्टेट हैं जहां पर के अरावली रेंज का एक्सटेंशन है यहां पे इसका विस्तार है यहां पे गलत हो गया है महाराष्ट्र और कर्नाटका ठीक है तो ये थोड़ा सा याद रखना अरावली जो है आपका महाराष्ट्र कर्नाटका में नहीं है और पहली वाली बात बिल्कुल सही है इसका मतलब वन ओनली ऑप्शन नंबर ए अगला अच्छा एक मंदिर है ओडिशा में जिसका नाम है जगन्नाथ मंदिर ठीक है जगन्नाथपुरी जो मंदिर है उसके बारे में दो तीन स्टेटमेंट है आपको बताना है कौन सा कौन सी वाली बात सही है सबसे पहले है इसका निर्माण तेरहवीं शताब्दी में पूर्वी गंग राजवंश के राजा अनंग भीम देव के द्वारा किया गया था दूसरा है आपका यह यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में सूचीबद्ध है फिर है कि इस मंदिर को वाइट पेगोडा भी कहा जाता है उड़ीसा उड़ीसा में बच्चे एक आपका एक वाइट पैगोडा है एक आपका ब्लैक पैगोडा है ठीक है तो ये वाली कौन सी वाली बात सही है जगन्नाथ मंदिर के बारे में सही नहीं है आपको रॉन्ग वाला बताना है ठीक है दो बातें गलत है एक बात इसमें सही है पहले तो ये याद रखना कि ओडिशा में जो है आपका एक मंदिर है ब्लैक पेगोड़ा कहते हैं एक को हम व्हाइट पेगोडा कहते हैं जो व्हाइट पेगोडा है वो है बच्चे आपका जगन्नाथपुरी का मंदिर इसका मतलब सेंटेंस नंबर थ्री आपका सही है और इसके साथ में ही ये भी याद रखिएगा कि यहाँ पर जो आपका ब्लैक पेगोड़ा है ठीक है वो कौन सा है वो है आपका कोणार्क का सन टेम्पल ठीक है उड़ीसा में जो कोणार्क का सन टेम्पल है उसे कहा जाता है ब्लैक पेगोड़ा और व्हाइट पेगोड़ा कहा जाता है जगन्नाथपुरी के मंदिर को ठीक है तो ये तीसरी वाली बात सही है दूसरी वाली बात गलत है यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है इसमें अभी तक इसे सूचीबद्ध नहीं किया गया है ठीक है उसके बाद में है आपका इसका निर्माण जो है पूर्वी गंग राजवंश के द्वारा किया गया था तो बिल्कुल सही बात है लेकिन राजा का नाम गलत दिया हुआ है अरंग भीम है अरंग पाल जो है राजा का नाम था ठीक है अनंतपाल राजा का नाम था डायनेस्टी सही दी हुई है लेकिन राजा का नाम गलत है ठीक है तो ये दो बातें गलत हैं और एक ही बात आपकी सही है वाइट पेगोडा वाली याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका फैक्ट है अगला है पॉस्को अधिनियम दो के बारे में दो स्टेटमेंट है आपको बताना है कि कौन सा वाला गलत है देखिए सबसे पहले है आपका कि एक्ट जो 2012 में आया था इसमें आपका 16 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बच्चे के रूप में परिभाषित किया गया है ठीक है पॉस्को एक्ट उसके बाद में आपका कि यह अधिनियम बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है बताओ कौन सी वाली बात सही है बच्चे पॉक्सो एक्ट पॉक्सो एक्ट का मतलब क्या है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस 2012 2012 देखिए इसमें दो हजार में सबसे बड़ा अमेंडमेंट किया गया कि जो बच्चे होने की उम्र है निर्भया केस आप लोगों ने देखा होगा ठीक है तो उसमें जो है आपका बच्चे होने की जो उम्र है वो आपकी बढ़ाई गई ठीक है अब 16 साल का जो बच्चा है वो सोलह साल से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बच्चे के रूप में परिभाषित करता है ठीक है ये आपका गलत है इसके ये आपका बाद में हुआ लेकिन पहले इसमें क्या था अठारह वर्ष ये आपको याद रखना है ठीक है एटीन ईयर्स यहाँ पे आपका सोलह वर्ष जो है गलत लिखा हुआ है तो अट्ठारह साल अट्ठारह साल के बाद मतलब आप कहेंगे किसी को कि ये बालिक है ठीक है अट्ठारह वर्ष अठारह वर्ष अठार जो कम है वो जो है आपका नाबालिग है ठीक है तो इस एक्ट के तहत जो है ऐसा डिफाइन डिफाइन किया जाता है बच्चों को या फिर बालिक होने को ठीक है उसके अलावा क्या है कि इस अधिनियम के तहत एक कमीशन को इस्टेब्लिश करने की बात की गई थी और ये है आपका स्टेट कमीशन स्टेट कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट बच्चों के अधिकार को जो है बचाने के लिए उनको कंजर्व करने के लिए एक स्टेट कमीशन राज्य आयोग की स्थापना के लिए भी इस एक्ट में ही कहा गया है तो इससे थोड़ा सा याद रखना पॉक्सो एक्ट में आपका ये नहीं है कि सोलह वर्ष है ये आपका 18 वर्ष है उसके बाद में है आपका हिंदुस्तानी प्रचारनी सभा या फिर हिंदुस्तानी प्रचार सभा इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने की थी 1942 में की थी 1942 में लेकिन क्या उद्देश्य था इसका ठीक है सबसे पहला तो है टू अपलिफ्ट द अनटचेबल्स जो आपके अछूत हैं अनछूत जो कम्युनिटीज़ हैं उनके अपने अपलिफ्ट के लिए ठीक है उनके उद्धार के लिए उसके बाद है टू प्रमोट हिंदुस्तानी एज अ लिंक लैंग्वेज बिटवीन हिंदू एंड हिंदी एंड उर्दू हिंदुस्तानी को जो है प्रमोट करना हिंदुस्तानी जो भाषा है हमारी उसे जो है प्रमोट करना उसके बाद है टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ नमक के कानून को तोड़ना या फिर टू पैसिफाई पीपल ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ द कंट्री लोगों के बीच में जो है शांति बहाल करना या फिर शांति स्थापित करना अब बताओ बच्चे कौन सी बात सही है हिंदुस्तानी प्रचारणी सभा पहले तो इसके बारे में ये फैक्ट याद रखना महात्मा गांधी ने इसकी शुरुआत की थी महात्मा गांधी ने इसकी स्थापना की थी 1942 में बयालीस में हिंदुस्तानी प्रचारणी सभा और इसका संबंध जो है नेशनल मूवमेंट से नहीं है इसका संबंध जो है भाषा से है ये भी याद रखना ठीक है तो जो हिंदुस्तानी है हिंदुस्तानी क्या है हमारे देश में बच्चे एक भाषा बोली जाती है जिसमें हिंदी और उर्दू के जो वर्ड्स होते हैं जो शब्द हैं वो मिक्स बोले जाते हैं ठीक है तो उसे ही जो है इन्होंने हिंदुस्तानी कहा और उसको उसको जो है प्रमोट करने के लिए लोगों के बीच में जो है उसकी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए उन्होंने हिंदुस्तानी प्राचारिणी सभा की स्थापना की थी नाइनटीन में तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी आप सही होगा टू प्रमोट हिंदुस्तानी एज अ लिंक लैंग्वेज बिटवीन हिंदी एंड उर्दू ठीक है अगला है आपका मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के बारे में इसे सिर्फ इतना याद रखना है मुदुमलाई के बारे में कि मुदुमलाई टाइगर रिजर्व जो है ये तीन राज्यों में फैला हुआ है कर्नाटक केरला और तमिलनाडु में ठीक है तो तीनों के त्री जंक्शन पे जो है आपको ये मिलेगा मुदुमलाई टाइगर रिजर्व लेकिन अगर आप इसे देखें बच्चे ऑफिशियल डेटा में तो मुदुमलाई को जो है हम कहाँ पर पढ़ते हैं तमिलनाडु में पढ़ते हैं ठीक है इसका एक्सटेंशन याद किया ये कि कहाँ कहाँ पर है ये आपका कर्नाटका केरला और तमिलनाडु तीनों जगह फैला हुआ है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व ठीक है अगला ये आपने मुझे बताना है महात्मा गांधी के नेतृत्व वाले सत्याग्रह आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताइए कि कौन सी वाली बात सही है अब महात्मा गांधी के पूरे आंदोलन को हम लोगों ने देखा ठीक है तो आपको बताने की कौन कौन सी बातें सही है सबसे पहले कि नाइनटीन में उन्नीस में उन्होंने दमनकारी वृक्षारोपण प्रणाली के खिलाफ संघर्ष करने के लिए बिहार के चंपारण की यात्रा की ठीक है उसके बाद है उन्नीस सौ में वह कपास मिल श्रमिकों के बीच सत्याग्रह आंदोलन आयोजित करने के लिए अहमदाबाद गए उसके बाद है नाइनटीन 1919 में उन्होंने रॉलेट एक्ट के खिलाफ देशव्यापी सत्याग्रह शुरू किया कौन सी बात बच्चे सही है गांधी जी के बारे में बताओ। महात्मा गांधी के बारे में तीन ईयर की कुछ बातें आपको दी हुई है 1917 है 18 है और 19 है ठीक है ये बातें सही है क्या महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए आंदोलन के बारे में सही है या गलत है देखो 1917 में जो सबसे पहला सत्याग्रह गांधी जी ने शुरू किया था चंपारण में किया था चंपारण जो है आपका बिहार में बिल्कुल सही बात है ठीक है ये आपका सही है किसानों का सत्याग्रह था किसानों का आंदोलन था उसके बाद में 1918 में जो कपास मिल मजदूरों का जो आंदोलन था अहमदाबाद में हुआ था यहाँ पे इन्होंने सबसे पहली बार स्ट्राइक भी की थी ठीक है तो 1918 में हुआ था ये भी आपका बिल्कुल सही है 1918 में 1919 में रॉलेट एक्ट आया रॉलेट एक्ट के विरोध में इन्होंने एक जनव्यापी या फिर एक देशव्यापी सत्याग्रह की शुरुआत की थी ये भी आपका सही है तो वन टू एंड थ्री ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट तीनों सही है बच्चे इसमें अगला ये मुझे बताइए पोलर वोटेक्स क्या है ध्रुवीय भंवर पोलर वोटेक्स क्या होता है ठीक है सबसे पहले आपका ये एसएससी के द्वारा पूछा गया प्रश्न है वैसे सारे के सारे अभी जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ वो सारे एसएससी के हैं ठीक है करंट अफेयर को छोड़ करके जो आप लोग स्टैटिक देख रहे हैं वो सारे के सारे एसएससी के क्वेश्चन है ठीक है तो थोड़ा सा सीरियस लीजिए इन क्वेश्चन को प्रश्न है पोलर वोटेक्स सबसे पहला है वॉर्म वार्म एयर एयर करेंट ये जो है आपका गर्म हवा का प्रवाह है फिर है एक ठंडी हवा की धारा है जो कि आमतौर पर आर्कटिक का चक्कर लगाती है या फिर एक गर्म हवा की धारा है जो कि आर्कटिक का चक्कर लगाती है या फिर एक ठंडी हवा की धारा है जो कि आमतौर पर भूमध्य रेखा का चक्कर लगाती है बताओ बच्चे पोलर वोटेक्स नाम से तो समझ में आ रहा है पोलर यानी कि ध्रुवीय क्षेत्र में है ठीक है लेकिन ध्रुवीय क्षेत्र में है क्या ये पोलर वोटेक्स कौन सा वाला सही होगा इसके बारे में गर्म हवा है ठंडी हवा है बस इतना आपको पता होना चाहिए ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी देखिए पोलर वोटेक्स पोलर से तो ये समझ में आ गया है ना कि ये ध्रुवीय क्षेत्रों से रिलेटेड है ठीक है आप ध्रुव भी आपके दो दो हैं नॉर्थ पोल हो गया साउथ पोल हो गया तो यहाँ पे एक ही वर्ड जो है आपका बार बार रिपीट किया हुआ है वो है आपका आर्कटिक ठीक है आर्कटिक रीजन तो बिल्कुल सही बात है बच्चे ये जो है आपका एक ठंडी हवा ठंडी हवा की धारा है ठीक है एक आपका कोल्ड एयर करंट है जो कि आर्कटिक में देखने को मिलती है और इस रीजन से क्योंकि यहाँ पे जो है इतनी ठंडी हवा मिलती है ठीक है इसके कारण यहाँ पे बहुत कम लो प्रेशर होता है एयर प्रेशर होता है ठीक है तो बहुत कम वायुमंडलीय दबाव वाला क्षेत्र है जहां पर कि बहुत ठंडी हवा मिलती है और अधिकतर यह आपको कहां पर देखने को मिलेगी आर्कटिक रीजन में देखने को मिलेगी ठीक है तो थोड़ा सा इसे याद रखना एक ठंडी हवा की धारा है कोल्ड एयर चलिए आज का जो आपका टॉपिक है ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बहुत बार हम पढ़ते वक्त जो है ये शब्द जो है बीच में आता है लेकिन हमें पता नहीं होता कि इसका मतलब क्या है आप बच्चे जब भी बैंकिंग से रिलेटेड कोई न्यूज सुनते होंगे या फिर इकोनॉमिक्स में पढ़ते होंगे वहां पर हमें एक शब्द पढ़ते हैं कि शेड्यूल बैंक और नॉन शेड्यूल बैंक ठीक है तो शेड्यूल बैंक को समझते हैं कि शेड्यूल बैंक है कौन से ये कैसे जो है किसी भी बैंक को शेड्यूल बैंक कहा जाता है तो अनुसूचित बैंक ठीक है अब पहले तो ये जानिए कि जब आपका आरबीआई बना था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना था ये एक अधिनियम के तहत बना है ठीक है अधिनियम आया था नाइनटीन में और नाइनटीन में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी ठीक है इतना क्लियर है अब देखिए जो 1934 का अधिनियम है ना जैसे हम कहते हैं भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम उन्नीस इसमें बच्चे अनुसूचियां हैं पहली अनुसूची दूसरी अनुसूची तीसरी अनुसूची तो इसकी जो दूसरी अनुसूची है यानी कि इसका जो सेकंड शेड्यूल है ना उसमें आपका कुछ बैंकों को लिस्ट किया गया है और उन्हीं बैंकों को कहा जाता है शेड्यूल बैंक ठीक है तो इसे याद रखना कि परिभाषा के अनुसार कोई भी बैंक जो कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम उन्नीस की दूसरी अनुसूची में जिसे सूचीबद्ध किया गया है उसे अनुसूचित बैंक माना जाता है अब इससे हो गया क्या अनुसूचित बैंक है वो किस तरीके से जो है बेनिफिशियल होगा कैसे जो है बाकी बैंकों से अलग होंगे देखिए अनुसूचित बैंक में वे बैंक शामिल हैं जो इस अधिनियम के खंड बयालीस के तहत विभिन्न मापदंडों मानदंडों को पूरा करते हैं एक अनुसूचित बैंक के रूप में अहर्ता प्राप्त करने के लिए बैंक की चुकता पूंजी और एकत्रित धनराशि पांच लाख रुपए से कम नहीं होनी चाहिए इस क्राइटेरिया को याद रखिएगा ये बहुत बार पूछा जाता है तो कितना रुपए होने चाहिए किसी बैंक के पास में कि वो जो है अनुसूचित बैंक की जो लिस्ट है आरबीआई की उसमें जो है सूचित होने के लायक बन जाए तो इस अमाउंट के याद रखना पांच लाख रुपए से कम नहीं पांच लाख रुपए या फिर उससे ज्यादा अमाउंट अगर बैंक के पास में है तो उसे जो है RBI के द्वारा सूचित किया जा सकता और भी इसमें सारे क्या है और है, मापदंड है, कर रहे हैं या नहीं कर रहे ठीक है ठेके? जैसे ही अगर कोई बैंक किसी के पास में अगर पांच लाख थे जब उसे आरबीआई ने जो है सूचित किया सेकेंड शेड्यूल में अगर उसके पास में इतना पैसा नहीं है वो जो है उसका जो अमाउंट है वो कम हो गया तो आरबीआई उन्हें बाहर भी कर देता है ठीक है

वर्तमान में अगर हम बात करें तो भारत में जो है टोटल बारह अनुसूचित तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि जो सरकारी बैंक है सरकारी बैंक बारह ऐसे सरकारी बैंक है जो कि अनुसूचित हैं और जो प्राइवेट सेक्टर है इसमें आपका एस हो गया आईसीआईसीआई हो गया तो निजी क्षेत्र के ऐसे बाईस बैंक है जिन्हें की यहाँ पे लिस्ट किया गया है ठीक है तो इस आंकड़े को भी याद रखिएगा इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कई बार तो बच्चे अलग अलग याद रखना इससे सही है कि जो सरकारी बैंक है उनमें से सिर्फ बारह यहाँ पे लिस्टेड है और जो प्राइवेट बैंक है हमारे देश में भी उनमें से आपके बाईस बैंक जो है यहाँ पे लिस्टेड हैं ठीक है तो ये सब कुछ जो है आपका एक शेड्यूल बैंक की डेफिट

द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अभी अगर किसी सरकारी बैंक की मान्यता खत्म कर दी गई उसके पास में पांच लाख रुपए नहीं हो पा रहे हैं तो वो जो है आपका ये बारा से हो जाएगा ठीक है तो नंबर ऊपर नीचे जाते रहते हैं ये आपका करंट अफेयर का जो है ये फैक्ट है लेकिन बाकी जो आपकी चीजें हैं वो है वो आपको याद करके रखनी है ठीक है चलिए फिर आज का टॉपिक भी यहीं पे समाप्त होता है टाइम भी हो गया खत्म चलिए आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं मिलते हैं कल के सेशन में तब तक के लिए पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद